नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। वेस्ट यूपी के 3 जिलों में हर घर हुआ रोशन। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हर घर तक बिजली पहुंचाकर इन्हें सौभाग्यशाली घोषित कर दिया गया है। वेस्ट यूपी के बाकी 11 जिलों में जल्दी ही सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए शिविरों का आयोजन कर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ई संयोजन ऐप के तहत काम किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन में 7.5 लाख यात्री रोज कर सकेंगे सफर। दिल्ली मेरठ रूट पर रैपिड ट्रेन में रोजाना औसतन 7.40 लाख यात्री सफर करेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सर्वे से यह आकलन किया है। 82 किलोमीटर के इस रूट पर रैपिड रेल के 18 स्टेशन होंगे। मेरठ की सीमा में 6 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। सर्वे में लोगों ने रैपिड रेल को प्राथमिकता दी है। आनंद विहार, अशोक नगर और हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से रैपिड रेल कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। अंतरिक्ष मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, तब भारत की कोई संतान अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगी। पहली बार इसरो किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो के मुताबिक मानव मिशन 2022 पर 10,000 करोड़ रुपए से कम खर्च होगा। प्रधानमंत्री ने इसरो को लक्ष्य हासिल करने के लिए 4 साल का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा मेट्रो यात्रियों को मुफ्त पानी क्यों नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जवाब मांगा कि मेट्रो यात्रियों को मुफ्त पानी क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। मेट्रो से हर रोज 28 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पानी सबकी जरूरत है और डीएमआरसी का यह दायित्व है कि वह अपने यात्रियों को हर मेट्रो स्टेशन पर मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराए। हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते में हल्फनामा मांगा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को गले लगाने पर सिद्धू के खिलाफ राजद्रोह का केस। कांग्रेस नेता व पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अदालत में नया मामला दर्ज किया गया है। यह मामला इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को गले लगाने के मामले में दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा का कहना है कि उन्होंने सिद्धू के खिलाफ राजद्रोह सहित आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है। दाऊद के भाई की वजह से पकड़ा गया उसका दाहिना हाथ जबीर मोती। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की वजह से उसके फाइनेंस मैनेजर जबीर सिद्दीकी उर्फ जबीर मोती को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी ने जबीर मोती को लंदन के एक होटल से गिरफ्तार किया। वह ब्रिटेन, यूएई, अफ्रीका समेत कई देशों में डी कंपनी के पैसों का लेन देन देख रहा था। समुद्री जल स्तर में थोड़ी सी भी वृद्धि पूरी दुनिया में ला सकती है सुनामी। जलवायु परिवर्तन से समुद्र के जल स्तर में थोड़ी सी वृद्धि भी दुनिया में सुनामी की तबाही का खतरा बढ़ा सकती है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि भूकंप के बाद आई सुनामी से तटीय शहरों के अलावा दूर दूर बसे शहरों को भी खतरा हो सकता है। तोहोकू ओकी में भूकंप के बाद आई सुनामी से उत्तरी जापान का हिस्सा तबाह हो गया था और एक परमाणु संयंत्र को काफी क्षति पहुंची थी। आ रहा है नया नियम, कम हो जाएगा कार चलाने का खर्च। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में जारी अधिसूचना में मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 में संशोधन करने की बात कही है। इससे मौजूदा व्हीकल्स में हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक सिस्टम के रेट्रो फिटमेंट को मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल वाहनों में हाइब्रिड सिस्टम लगाने से कार चलाने का खर्च आधे से भी कम हो सकता है। सरकार ने यह कदम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है। भारत को शूटिंग में सौरभ ने दिलाया पहला गोल्ड। 18वें एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल 16 साल के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। इस स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत के ही अभिषेक वर्मा को मिला। जापान के तोमोयुकी मात्सुयुदा के रजत पदक पर कब्जा जमाया। इससे पहले एशियाई खेलों में 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतने वाले दिनेश फोगाट पहले भारतीय महिला पहलवान बनी। धड़क फेम जानवी कपूर को मिली तीसरी फिल्म। एक्ट्रेस जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया है। इस फिल्म के बाद करण जौहर ने तख्त के लिए जानवी कपूर को साइन कर लिया था। जानवी की यह दूसरी फिल्म है। अब खबर है कि जानवी को तीसरी फिल्म भी मिल गई है। करण जौहर लंबे समय से दोस्ताना का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे थे। अब इस फिल्म के लिए जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया गया है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।